कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पंचायत भवन में मनाया गया। इस मौके पर उपायुक्त डॉक्टर एसएस फुलिया, पुलिस कप्तान आस्था मोदी व अन्य अधिकारी पहुंचे। कुरुक्षेत्र की जनता ने अपनी अपनी बातें रखी, वहीं कुछ लोगों ने धर्मनगरी में बिक रहे नशे के बारे में बताया। आस्था मोदी ने बताया कि पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, वहीं नशे के आदि लोगों को कैपों के माध्यम से समझाया जाएगा। एसपी के सामने कुरुक्षेत्रवासियों ने अपनी भड़ास निकाली। महिला सरोज ने कहा कि लायलपुर बस्ती में सरेआम नशा बिक रहा है, जो शिकायत करता है उन लोगों को मारने की धमकी दी जाती है। बड़ा आश्वासन एसपी आस्था मैडम ने मुझे दिया है और आगे मुझे विश्वास है कि मेरे राजपूत कॉलोनी मोहनगर वार्ड नंबर 8 में आगे ये काम नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है इस चीज में, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे साथ 150 लेडीज जुड़ी हुई है, उनके साइन अंगूठे मेरे पास सब कुछ है और वो लेडीज मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे पाल रही हैं, घर में झाड़ू पोछा करके, और जो आदमी है काम करते हैं वो सट्ठा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं और शराब पीते हैं। तो आपको धमकी भी आती है? धमकी आती है, कहते हैं आपके हस्बैंड को पेट में छुरा लगा देंगे, आपको छुरा लगा देंगे, आपके बच्चे उठा देंगे। अगर कल को कोई भी ऐसी नौबत आती है तो जो ये शराब बेचते हैं, सट्ठा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, इनके ऊपर ये बातें होनी चाहिए। मतलब आप नशे के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आपको धमकी मिलती है? हाँ जी, धमकी मिलती है। एक व्यक्ति ने नशे बिकने पर पुलिस की शह बताई। कहीं ना कहीं पुलिस को नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उसकी सारी तो सड़कें फटी हुई हैं 2 साल से, और उसमें खूब शराब नशा बड्डा खूब चलता है। पुलिस वाले भी जाते हैं, यूँ छाती पीटते हैं, जैसे मामा बुआ फूफी के लड़के मिलकाते हैं। अच्छा। कई साल बाद मिले, ऐसा है। हम तो पीते नहीं, ना हमें दर्द है, ना हमारी सेल कम हो रही, ना बढ़ रही, ना हमें नुकसान, ना फायदा, ना वो हमें कुछ कहते। तुम पुलिस बिकवाती है नशा? जब पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती तो कौन बिकवाती है यार, ये बता दो आप। अगर जिसकी ड्यूटी है कंट्रोल करने की, वह एक शहर में ही नहीं कंट्रोल कर सकते, डीसी के घर से 300 मीटर दूर नहीं है वे, जो 4 स्थानों पर शराब बिकती है। अगर वो 400-300 मीटर की दूरी पे निबंध करा सकती, गांव में बंद करा दे। और क्या बिकता है शराब के अलावा? और कुछ मैंने नहीं पता, मैं तो शराब देखी है, 12 बजे तक लड़के यूं भी आ रही है, खड़े रहते हैं, खड़े होकर पेशाब उठाते हैं, खड़े होकर पेशाब करते हैं। बहु बेटियां हमारी वहां से गुजरती है, मैंने कहा था जो शराब बेच के जाना नहीं, बोली ना ना कुछ नहीं होता, क्या हो गया क्या हो गया। जब आप आवाज उठाते तो आपके लड़ते झगड़ते भी हो? लड़ते झगड़ते नहीं, खत्म कर देंगे। अच्छा, हाँ। तो आज आप आए थे, कुछ लगा आश्वासन मिला आपको? कुछ नहीं, आश्वासन तो जब हो जाएगा बंद जब पता लगेगा आश्वासन का, तो आश्वासन का ये तो हम लोग बंदा कर सकते हैं। मैंने नहीं पता मेरा बच्चा क्या पीता है, क्या खाता है, क्या काम करता है। सामाजिक बुराई को पेरेंट्स दूर कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। क्यों भाई? जब आप पुलिस को कंप्लेंट करते हैं, बुलाते हैं? मैंने एसपी साहब को करी थी, पहले जो एसपी थे। हाँ। कुछ सारा नहीं लगा, लाल बाइक वाली गाड़ी गई थी और वापस आ गई थी, कहते जी वहाँ तो कुछ नहीं। और वहाँ सामने भी थानेदार का घर है, वो बेचारा रिटायर है, उसने अपने घर के सामने से दूसरी तरफ करा दिया गेट, अब उस गेट से बिजली बंद करके दूसरे गेट। मतलब मिली भगत है कहीं ना कहीं? यार सारी मिली भगत है, इसमें क्या है, मेरे को तो मिलता नहीं कुछ, ना हमने चाहिए, ना हम पीते, ना हमें नुकसान। कुरुक्षेत्र एक धर्म नगरी है, यहाँ की जनता ने एक होकर नशाखोरी के खिलाफ मुहिम चलाई है, तभी धर्म नगरी से नशा बंद हो सकेगा। जब इस बारे में एसपी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरी पुलिस दिन रात नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, वहीं नशे के खिलाफ नार्कोटिक सेल बनाया गया है, किसी भी शिकायत के लिए मेरे नंबर या मिलकर मुझे शिकायत कर सकते हैं, शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी और हम कानून के तहत ही कार्रवाई कर सकते हैं। शराब मिली है वहाँ पे, हमने कलंदरे दिए हैं और ये एक नहीं दो नहीं, ये जितने भी वाहन मेरे पास आए हैं, और उसके अलावा भी सीआईए वालों ने भी एंटी नार्कोटिक सेल अब बना दिया है, वो भी रेड करेंगे। जो कोम्बिंग होती है, हमने जो कोम्बिंग का शेड्यूल बनाया उसमें भी उनका जो एरिया है हमने पहले लिया, क्योंकि वहां से हमें बार बार कंप्लेंट आ रही थी। तो पुलिस पूरी अपनी मेहनत कर रही है, पूरी कोशिश कर रहे हैं हम कि वहां पे जो बिक्री है वो बंद हो सके। ये कंप्लेंट आती है कि साथ ही साथ वो छूट जाते हैं, पर ये तो जो लीगल फ्रेमवर्क है उसी के हिसाब से होगा। अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो हम जबरदस्ती उसे अंदर बंद नहीं रख सकते, कानून के हम रखवाले हैं, हम खुद ही कानून के जो फ्रेमवर्क है उसे तोड़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। बेल जो है वो किसी भी व्यक्ति की राइट है, तो हर किस्म के जो अपराध होते हैं उसमें बेल दी जाती है, तो हम बेल को इस तरीके से बंद नहीं कर सकते हैं। लीगल जो फ्रेमवर्क है, जो अपराधी है उसके भी कुछ लीगल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनकी भी उल्लंघना नहीं की जा सकती, पर लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए जितना भी हमारे क्षमता है, हम क्षमता के बियॉन्ड जाके
नशे के जो कारोबार है उस पर हमने मुहिम भी चलाई हुई है और हम इसको खत्म करने की पूरी हमारी कोशिश रहेगी। मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ में कल बैठक लिए, चार पांच राज्यों के डीजीपी खुद आए नशे को बंद करने के लिए, तो कुछ आप पहल कर रहे हैं कि कोई व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाए, लोग नशे के प्रति आपको कंप्लेंट दे या कुछ ऐसी पहल? मेरा खुद का नंबर है जो ओपन है और इस पे इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती भी है। जो मेरा सरकारी नंबर है उस पे व्हाट्सएप चलता है, उस पे कई बार लोगों ने मुझे इन्फॉर्मेशन भेजी है। जो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं वो किसी भी प्रकार के क्राइम की क्यों ना हो, नशे की हो या किसी भी प्रकार का क्राइम, चोरी या वैश्यावृत्ति या जो भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है उस पे हम एक्शन लेते हैं। इसके साथ साथ मेरा फ़ोन नंबर है, आप उस पे फ़ोन भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं हफ्ते में 5 या 6 दिन अपने ऑफिस में अवेलेबल रहती हूँ, किसी भी समय आप आके मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आपकी जो वो है आइडेंटिटी है उसे गुप्त रखा जाता है, जो जिस टीम को मैं भेजती हूँ उसको भी आपकी आइडेंटिटी नहीं बताई जाती। जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी जाती है वही इन्फॉर्मेशन मैं आगे टीम को देती हूँ। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।